शारदीय नवरात्र से ठीक पहले भारत के बादशाह ने पवित्र गंगा जल पर 18% का गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी लगा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग मजे ले रहे हैं और लिख रहे हैं कि बादशाह के इस ऐलान से देश के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि गंगा जल पर 18% जीएसटी देकर वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जो दे पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। खबर है कि इस बार नवरात्र पर घरों में गंगा जल छिड़कने के लिए लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, मोदी सरकार ने डाक घर से मिलने वाले गंगा जल पर अब 18% जीएसटी लगा दिया है। मतलब यह कि 30 रुपए में मिलने वाली 250 ml की गंगा जल की बोतल के लिए अब 35 रुपए 40 पैसे चुकाने होंगे। याद हो तो केंद्र सरकार की गंगा जल आपके द्वार योजना 2016 में शुरू हुई थी। इसका मकसद लोगों को आसानी से गंगा जल उपलब्ध कराना और डाकघरों की आय को बढ़ाना था। शुरुआत में ऋषिकेश और गंगोत्री से आने वाली 200 और 500 ml गंगा जल की बोतल की कीमत क्रमशः 28 और 38 रुपए थी। मौजूदा वक्त में डाक विभाग गंगोत्री के गंगा जल की 250 ml की बोतल उपलब्ध करा रहा है, जिसकी कीमत 30 रुपए रखी गई थी, लेकिन 18% जीएसटी लगने के बाद अब इसकी कीमत 35 रुपए 40 पैसे हो गई है। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार परिमंडल देहरादून से आदेश जारी होने के बाद गंगा जल बढ़े हुए दामों के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑनलाइन मंगाने पर इस गंगा जल के एक बोतल की कीमत 125 रुपए पड़ेगी। भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट से अगर आप गंगा जल खरीदते हैं तो स्पीड पोस्ट चार्ज के साथ गंगोत्री के गंगा जल की 250 ml की एक बोतल 125 रुपए, दो बोतल 210 रुपए और चार बोतल 345 रुपए में मिलेंगी। योजना के तहत डाक विभाग पहले गंगोत्री और ऋषिकेश का जल उपलब्ध कराता था। पिछले 3 साल से सिर्फ गंगोत्री का ही जल उपलब्ध कराया जा रहा है। गंगा का उद्गम स्थल होने के कारण इसे सबसे शुद्ध गंगा जल माना जाता है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता दिवस। नमस्कार।